ये आप ये देखो बल्कि बिल्कुल से बताओ कि क्या काटा डिपार्टमेंट से कौन है, काटा डिपार्टमेंट से कौन अधिकारी आए काटा डिपार्टमेंट से? ये देखो इसका रिप्लाई दो मुझे, क्या करेंगे ये आप, ये आपका डिपार्टमेंट लिख रखे 14 साल हाँ जी, क्या कह रहे हो इसके बारे में? एसी का फैसला है ये रहा 14-10 का, 14-7 लगाई गई है बड़ी नहीं रही। पंचायत कितना बढ़ाई थी अगर नहीं, इसमें ये वो कह रहे हैं उन्होंने अधिकारी में तो वो फैसला दे दिया था मैंने, हाँ अपील एससी के पास करी, उन्होंने डिसीजन दे दिया ये बनना चाहिए, हाँ ऊपर से बजट नहीं आया, बजट आते ही ये सीधे चल गए। नहीं बजट के लिए आपने किसके पास लिखा होगा? ये ऊपर ही जाता है नहीं, आपने लिखे बजट है क्या एस्टिमेट वगैरह बना के बजट है? संजूर कर देता हूं मैंने, कोई ना तसल्ली तो आपकी है नहीं मैडम जी, नहीं आप आपके पास आपकी किसकी नॉलेज में नहीं है ना, आपकी जानकारी में कुछ नहीं है, कुत्ते क्यों मार रहे हैं? कुत्ते नहीं मार रहे मैडम, हमारे जितने भी एक्सटेंशन के केस है ना हमने बड़ा बड़ा के ऊपर भेज रखे हैं। इसके बारे में तुरंत फोन करके पता करके बताओ क्या ठीक है? जब उन्होंने अधिकारी ने ये कह दिया कि ये फिजिबल है तो उसके बाद आपने इसमें क्या कार्रवाई करी? उनको तुरंत इसमें से कैसे छोड़ दो? एक साथ जितने पंचकुल आ जाएगा चीफ कोई नहीं, आप चिंता ना करो, आप चिंता ना करो, मैं आई भी इसलिए हूँ यहाँ पर कि लोकल यहाँ पर जो काम है वो अधिकारियों के पार्ट की पेंडिंग ना, ठीक है ना? अभी अभी पता करके बगैर इस पर नहीं ऐसे कनेक्शन का पैसे लिए 10 लाख रुपए खाए केस में, मेरे पास सबूत है इस बात का, तो आप सबूत दो, कार्रवाई कराओ कनेक्शन होगी दोस्त, मैं ले देता हूँ मुख्यमंत्री को क्या क्या अंदर करवाएंगे जो ऐसे मामले में गड़बड़ करेंगे? राइट कुतियाना इसकी जांच करा दी, ड्यूटी कर मेरे खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। नहीं इसमें एक्शन एक तो संजीव कुमार सारण, एक एसडीओ वजीर सिंह पूनिया, एक एससी मलिक इंदर सिंह, इसकी जांच करा दो। ये चीफ को लिखा मैंने, ये पीएमओ कार्यालय ने सीएम को भी लिखी है, पीएम को भी लिखी चिट्ठी। नहीं ये जो है ना आपका जो डिसीजन आया है ना एससी का वो है फतेहबाद के नाम, फतेहबाद के नाम से नहीं, फिर अगर तो फिर फतेहबाद की हम यहाँ पे सिरसा नामोसरी की बात कर रहे हैं ना बाबूजी, अगर हम वहाँ पे फतेहबाद में हो तो वहाँ पर को आपको वहाँ के अधिकारी कौन होना चाहिए ना? ये अधिकारी तो सिरसा का है नहीं, फतेहबाद डिवीजन काम करता है इसका डाक कई नहरों का नहीं अब एक मैडम कई काम है यहाँ पर, ये फतेहबाद डिवीजन कर रहे हैं सर, हाँ ठीक है फतेहबाद डिवीजन कर रहे हैं ना, हाँ तो ये वाला काम भी फतेहबाद डिवीजन के पास है ना, कौन से आपके अंडर है? कॉन्स्टिट्यूंसी अब ये यहाँ पे बैठ कर दरवाना का काम थोड़ी करा सकते हो, अफसर को बैठते हैं सिरसा का आपने, चलो मैंने ले लिया ठीक है ना, ये अधिकारी जो है ये अधिकारी सिरसा का है, आपका काम फतेहबाद वाले का है, मैं करूंगी इसको, मैं देखूंगी जांच करा दो, मैं झूठा मेरे खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। बिजली बोर्ड में हमने कनेक्शन कराया है 35,000 कमीशन का है, ये 10,000 का मेरे चेक दिया है, पूछ रहे वापस रिफंड किया है मेरे को, बगैर किसानों काम तो बगैर इस पर नहीं होते मैडम जी, हमारे पास सबूत है, आप आप मैं कह रहा हूँ ना ये जो आप सबूत दो सबूत के बेस पर 10,000 दीजिए एसडीओ, बुलाओ एसडीओ साहब, कहाँ है कहाँ पे एसडीओ, बुलाओ एसडीओ, एसडीओ साहब बुलाना बिजली डिपार्टमेंट के, एस्टिमेट अनुसार काम नहीं लगा, मैंने एमबी को की थी मिलान किया मैडम, जितना एस्टिमेट में मटेरियल कम लगा था जितना रिफंड आया था रिफंड कर दिया, 10,000 रिफंड कर दिया, एस्टिमेट जब बनाते हैं कई बार मटेरियल कम ज्यादा होता है, तो कितने का एस्टिमेट बनाया? 1,36,000 का बनाया, 1,00,000 मेरे को कोर्ट से लिए 1,35,000 मेरे कनेक्शन हो रहा, 35,000 कमीशन है ऊपर तक जाता है कमीशन, चलो मैं जितना मटेरियल लगता है उसके बाद एक बार कम मटेरियल लगता है तो उसके दोबारा कोर्ट सर्वे होके एस्टिमेट बन जाता है, तो जितनी रिफंड होनी होती है अमाउंट पे चेक करवा लेते हैं, और 10,000 रुपए इनकी रिफंड हो रही है। प्रोसीजर है या सिर्फ इन्होंने जो है? नहीं प्रोसीजर है, हां प्रोसीजर नहीं है जी, जितने भी कनेक्शन है ना हर कनेक्शन इससे पहले और मैडम बहुत रिफंड होते हैं, किसका बताओ डिवीजन बताओ यहाँ सब डिवीजन किसका? अभी तो मेरे पास है नहीं डाटा, लेकिन ये डीडीओ ऑफिस से बाय चेक होता है, डीडीओ ऑफिस से बाय चेक, मैंने तो एमबी कॉपी ली, मैं सिंगल कॉपी मिलान किया, एक बात बताओ, एक बात बताओ, कोई इस तरह का जो रिफंड है या आपने अपने पर्सनल खाते से आपको रिफंड किया ना, सरकारी खाते से अगर गया है पैसा
तो वो पैसा इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो पैसा जो है उन्होंने कहीं उसमें इसमें वो करी भाई, वो क्या एस्टीमेट बना लिया, मेरे दो फूल लगे हैं। अगर पैसा किसी के पर्सनल खाते से जाए ना अधिकारी से, तब तो ये माना जाता है कि भी उसने अपने पास गड़बड़ करी, इसलिए उसको अपनी तरफ से देना पड़ा। लेकिन सरकारी खाते में से तो जो अगर फालतू होएगा तो वो पैसा सरकारी खाते में वापस नहीं जाता है। रिफंड ये आपको और भी बता रहे की और भी कई जगह पे दिया है, इनको लिस्ट बना के दे दो, बाबू जी को आप निकाल के दे दो, मेरे को लोन दी, मैंने 94 चेक दे दी, 1000 करोड़ दे रहे, मेरे को पूरा पैसा दे, मेरा 94 चेक दे दिया, 6 महीना हो गया। अब मैं दोबारा के भी मेरा पैनल ब्याज दो, हमारे पर ब्याज पैनल लगाते 10 गुना ये देते, 2-3% ब्याज 2019 में पैसा भरा मैंने, जिनको भी आपने फंड दिया है ना उनकी लिस्ट आप इनको जरूर बाबूजी को जरूर दे दो, जिसकी में सब में पैसा खाई हर कनेक्शन में, इसने सारे एमपी तक ऊपर तक पैसा गए, मंत्री तक पैसा गए, बिजली मंत्री तक पैसा गया, बिजली मंत्री बिल पकाया है, अशोक तंवर का बिल पकाया 94,000 रुपया, डीसी का बिल पकाया है, मेरे पास आरती देता हूँ। नहीं एक बात बताओ, बाकी सब तो छोड़ो, आपने तो मेरे सामने बैठ के मेरे को ही कह दिया एमपी नहीं बिजली मंत्री तक पैसा नहीं, पहले आप अपने शब्द वापस लो और माफी मांगो, एमपी का नाम क्यों लिया? मैं एमपी माफी मांगता हूँ, बाकी पैसा गए ऊपर तक, अब एसीएस तक जाता है पैसा, इनकी चैन बनी हुई है, थोड़ी हो जाता है, आप किसी का नाम भी ले दो, 10 लाख जैसे आपने एमपी का दे दिया, एमपी के उल्टा पीएम हो बिजली कनेक्शन में पैसा खाए, पाइप लाइन में पैसा है, 10 लाख रुपए खाए इस पाइप लाइन में, 54 लाख का काम है, जांच कराओ इसकी, जांच कराओ, जांच का आदेश करो, ठीक है, जांच कराएंगे, सारी जमात और बैठी पैसा खाते है, किसी से क्या फर्क है बताए, मोदी में राम में क्या फर्क है? गाड़ियों में जाने वाले